सेठ पुत्र चल। और डैडी जी ले जाओ इन्हू, क्यों डायलॉग मार मार के बोर कर दे पाए। सीरत की होया, रुक क्यों गई, चल पर चली। अपा अपा जी, तुसी मैनु इस घर तो जान ले के भी कह सकते हो? लो पै गया स्यापा, कर लो क्यों नु पांडा। पापा जी, जे मैं इस घर विच महफूज नहीं ना, तो मैं दुनिया के किसी भी घर विच महफूज नहीं रह सकती। कर जिथे जो मैनू निकी जी खरोज भी आ जाए ना, ते बीजी पूरे घर नू सिर ते चुक लेंदे ने। जे मेरे थोड़ी जी भी सिर पीड़ हो जाए ते पापा जी नू हत्था पैरा दी पै जांदी है। जे मैं बीमार हो जाना ते कई कई दिन जेडी मेरे सराने इको पैर ते खड़ के मेरी तिमारदारी कर देने। पापा जी, जिथे बीजी वर्गा कण छावा दर हर वेले अपने हत्था नाल मेरे उत्ते छां करदा होवे, उस छां नू छड़ के मैं किवे चल जा। पापा जी दे दुलार नू छड़ के मैं किवे चल जा। जेडी ते मजबूत विश्वास नू हमें ठोकर मार के मैं किवें चल जा। जे जे सब तो बात ते तुसी चाहते हो कि मैं तो डे नाल चला ते मैं चलो नू तैयार हूँ। आंटी हूँ डायलॉग मार मार के ना कम खराब ना कर। वो डैडी जी हूँ लै जाओ इन्हू छेती, ऐसी कोई गल ना सुनियो। पापा जी, मम्मी कहते होंगे ने कि कुड़ी की डोली जिस घर जावे ना, जो अर्थी भी उसी घरों निकले तो वह कुड़ी भागा वाली होंगी है। हुण इस करो जो निकलेगी वो मेरी बस अर्थी निकलेगी। ओए होए बेड़ा गर्क। पापा जी, थोड़े दित्ते संस्कार ने जिहड़े मेरी ताकत बन के मेरे नाल खड़े ने। वही होया जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता सी। मेरे अरमानत से ना पानी फेरता है। जेडी हूँ अपना प्लान लाइन ते लैके आ, इन्हू ऑफिस ज्वाइन करा। इन्नी छेती इन्हें पिछा नहीं छड़ना। नहीं था बलू, तू जो भी कह मैं अपनी धी नू तेरे नाल नहीं जान देवांगी। बीजी, इस घर विच मैं अपनी धी तां लैके जा सकदा, पर इस घर दी नूह नूं नहीं।
मैं माफी चाहना बीजी कि गुस्से में आके मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। दीदी सोमल तक नहीं मिलती थी तो हड्डी तो पेशी पहन वाली है। मैंने तो साफ साफ दिख रहे कि तनु पुलिस रेस्टोरेंट आने वाली है। बल्लू मैं हमेशा तेरी कर्जदार रहूंगी ते असी कदी भी तेरा ये कर्ज नहीं मोड़ सकांगे। एक कार भी तेरा गुनाहगार रहेगा क्योंकि इस घर च सब तो वड्डी गुनाहगार मेरी अपनी धी है। तू इसनू जो भी सजा देगा वो सानू मंजूर होएगी। बीजी शनो भैन जी ने जो कुछ किया साडे नाल वो तो असीं बर्दाश्त कर लिया पर जो ज्यादती ने सीरत ना की है इसलिए सीरत ही जवाब दे सकती है कि इसने की सोचा। दस पुत्र तू की सोचा की चाहनी है तू? चलो मम्मी का भी बचा हो गया। सीरत आंटी ने क्या भी की लेना है मम्मी नू? मेरे नाल शनू मम्मी जी ने जो कुछ भी किया ओदे ले मैं उन्हें माफ कर दिया। क्योंकि उस वेले एक माँ का किरदार सस्ते किरदार के उत्ते पारी पै गया। इसलिए शायद उन्होंने मेरे खिलाफ पर जो कुछ भी इन्होंने मेरे मम्मी पापा नाल किता है ना उसके लिए मैं इन्होंने कभी भी माफ नहीं करांगी। कोई कसूर नहीं सी कि उन्होंने सिर तो छत खोली उन्होंने घरों बेघर करता। मैनू इत्थे चुप रहना ही पैना जे मैं बोलता कि बुला लो पुलिस नू वो आके तो सच दस देगा कि मैं अग नहीं लाई पर उदा की जेड़ा मैं सीरत नू मारन की कोशिश की है उदा इल्जाम तो मेरे ते आ जूगा। मैं फिर फस जाऊंगी इसलिए शनो गुस्सा पी जा तेरा चुप रहने से फायदा है। केस तो ऑलरेडी फाइल हो गया हूँ मैं पुलिस नू बस आ इतला करनी है कि इस केस ते मुख दोषी शनो मम्मी जी ने हो तो बाद पुलिस नू जो सही लगेगा वो करूँगी। पर जे मैं अज अपने मम्मी पापा नाल नहीं खड़ी हुई ना ते कोई भी ती अपने मम्मी पापा नाल नजर नहीं मिला पाऊगी। कोई भी ती अपने माँ प्यो नू आ नहीं कहूगी कि तुसी फिक्र ना करो मैं कोई मुंडे तो घट थोड़ी हाँ। ते कोई भी माँ प्यो उस रब तो ती दी दाद बख्शन नू नहीं कहेगा। सीरत पुत्र जेकर तू शनो भैन जी नू अपने ते किते अत्याचार लई माफ कर सकदी है तो पुत्र अपना घर फूकन ते माफ कर दे ते अगे वध के पुत अपनी सस नू गले ला के माफ कर दे फिर देखी वह भी तेरी मां बन जूगी। की सोचते पुत्र चल अगे बाद सीरत पुत्र जिवें तू अपने पापा की हर गल मनी है ना अज ही गल ही मन लै। चल मेरा पुत
आज तेरा दिन है सीरत, जो मर्जी कर ले। तू आज माफ करके बड़ी महान बन गई है ना। कोई नहीं, तेरा ये फितूर मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। मैं तेरा अक्स एहो जा बना दूंगी कि तू अपने आप नू शीशे च वेखन जोगी नहीं रहना। बीजी तुसी? हाँ मैं ही हाँ, तेरी बदनसीब माँ जेड़ी इन्ना कुछ वेख के भी सही सलामत जूंदी तुरी फिरदी है। सीरत ने तो तेनू माफ करके गालना ला लिया, क्योंकि उस मासूम दी रूह उस पवित्र सरोवर वर्गी है जिदे ते छल कपट दी काई नहीं जम्मी हुई। ते मैनू पता है कुछ ही दिनों च उन्हें सब कुछ भूल भी जाना, पर तू जिवें मैं तेनू जानती हाँ तू मन ही मन ओदे लई खार रखी छड़नी है, ते कोई ना कोई मुसीबत ओदे लई खड़े करदे ही रहना है। क्योंकि वो कहंदे ने ना, चोर चोरी तो भावें चला जाए पर हेरा फेरी तो नहीं जाता। बीजी तुहानू कोई गलत फहमी हुई है। तू किसे गलत फहमी च है शन्नो, क्योंकि हुण मैं अपनी बच्ची दे दंद गिण ले। जिवें जिवें तेरे अंदर नफरत दे कोड़ तुंबियां दा दरख्त वड्डे हुंदे जाना ना, उवें उवें तू होर ज़्यादा जहरी हुंदी जाना। पर यह ना समझी कि सीरत वांग मैं भी तेनू माफ़ कर दांगी, तेनू बख्श दांगी। याद रखी मैं तेरे ते पूरी निगाह रखांगी, समझ गई? बीजी तुसी मैनू गलत समझ रहे हो, मेरी गल तो सुनो। बकवास ना कर, की मैं तेनू समझा? नीचंद्रिये अपने चाले वेख, तू हजे भी कह रही है कि मैं तेनू समझने की कोशिश करा। गलती दे नाल तू मेरी धी है, नहीं तो मैं तेनू मुंह ना लांदी। सियाने कहंदे ने यब्बल पुतना जमीए धी काणी चंगी, पर मैं कहनी हाँ एहो जी धी जम्मन नाल बे औलाद चंगा बंदा कुछ भी ना जम्मे। हुण सौ गल दी गल, कन खोल के मेरी गल ध्यान ना सुन लै। जे तू सीरत दे रस्ते च कोई किसे किस्म दे भी रोड़े अटकाए, जे तू ओदी वाह वाल भी भैड़ी नज़र ना वेख्या ना, तो मैं तेरियां अखां काट दांगी। मैनू सीरत ना समझी कि मैं तेनू माफ कर दांगी। जे मैं तेनू लाडो लाडो कह के सिरे चढ़ाया ना, तो मैनू सिरों लाना भी आंदा। तू अपने आप नू खुश नसीब समझ के फैसला इस बार सीरत ने लिया, ते जे तू एहो जी कोई भी हरकत कीती ना, ते फैसला मैं करांगा। ते सीरत वांग नरमी नाल पेश नहीं आवांगी मैं तेरे नाल, समझ गई है? निकी आ की मैंने उसने यार चाबी दे दे, मैं सर्विस कराने ली जाना, मैं तो अगे लेट हां। मिस्टर लेट लतीफ, बंदे नु ना सारे काम टाइम ते कर लेने चाहिए है, भावे फिर किधर जाना होवे या फिर कोई काम होवे। चलो छोड़ो सारी गल्लां, तुसी ना ओ गल करो जेड़ी उस दिन तुसी अधूरी छड़ के गए सी, फिर तुसी कार नु सर्विस ली लै जाना और तुसी अपनी भी सर्विस करवा के ले आना। अधूरी गल? केड़ी अधूरी गल यार, मेनू कुछ भी नहीं याद। उफ हाय, तुसी किन्ने पोले और किन्ने भुलक्कड़ हो, गल करके मुकर गए। मैं थोड़ा शार्प माइंडेड समझती थी पर तुसी तो निकी मेरे दिमाग दी फिरकी घूम रही है, प्लीज मैं दस केड़ी गल है। ओके दरअसल गल ए सी कि चलो छोड़ो वो गल करन दा ना कोई फायदा ही नहीं है, पर हाँ जे तुसी उस दिन गल पूरी कर लेंदे ना तो फिर गल कुछ होर होनी सी। निकी दस यार केड़ी गल है, इस कार दा की कसूर है? तुसी इहदे ते गुस्सा क्यों कढ रहे हो? हुण मैनूं पता लगा एहो जी कोई गल नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਂਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਾਂਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਓਕੇ ਵੇਟ 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 ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਕੀ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ? ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
और तुसी लास्ट वाली लाइन अधूरी छाड़ दी सी। खेड़ी गल आही कि कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहां दिल खो गया, आ वाली लाइन। निक्की एहो जिहा कुछ भी नहीं है, मेरी नींद भी ओके है ते मेरे चैन भी टिकाने ते है, पर मैनू लगता तेरा कोई भी पुरजा टिकाने ते नहीं है। मैनू भी आही लग रहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ता है, और मैनू ये भी लगता है कि तुसी ना थोड़े नहीं बहुत ज्यादा शाय हो। एहो जिहा कुछ भी नहीं है निक्की, प्लीज मैनू चाबी दे, मैं जाना है। तुसी भी की याद करोगे, लो चाबी लिया दे। लो फड़ा दे। इन्ना गुस्सा भी सेहत लिए चंगा नहीं हुंदा। तुसी ना इंज करो कि गुस्से दा ना ऑपोजिट वर्ड यूज करा करो। ऑपोजिट वर्ड ओ केड़ा हुंदा है? हुण ए भी मैं ही दसा, इंटरनेट ते जाके ना सर्च करो। फड़ो चाबी। शुक्रिया जनाब। जाइए, आप कहां जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, दूर तक कहीं पीछे पीछे मेरी आवाज चली आएगी। जीडी जीडी मैं जान दिया कि शायद तुसी मेरे तो नाराज हो, क्योंकि मैं शनू मम्मी जी नू घर फूकण लई सजा देना चाहती सी, पर जीडी मैं आ भी नोटिस किया कि तुसी उदों अपसेट हो गई सी जदों पापा जी ने मैनू इथों जाण लई कहा सी। लो कर लो गल, मैं तो खुश ही बॉस कि किसी ना किसी बहाने घरों दफा हो रही है। हाँ सीरत, तेरे घरों जाने के ख्याल है ना, मैंने तो हिला के रखता सी, ऐदा लगता सी जिदा मेरी मुट्ठी विचों ना रेत वांगू कुछ फिसलता जा रहा है। थोनू लग रहा होना कि मैं सारा कुछ छड़ के चल जाऊंगी, थोनू छड़ के चल जाऊंगी, आ सारा प्यार विश्वास सब नू ठोकर मार के चल जाऊंगी। चीड़ी थोनू मेरे ते इन्ना कर एतबार भी नहीं सी? नहीं ऐदा दी गल नहीं है सीरत, एतबार तो पूरा सी कि तू नहीं जाएंगी, वो सिचुएशन ही इद्दां दी सी जे इंसान ते ऐनी मुसीबत आ जाण ते कुछ सूझदा ही नहीं। मैं समझ सकदा सीरत तेरे नाल इन्ना माड़ा होया, पर तू फिर भी झुकी नहीं, क्योंकि साडी गुरुआ ने सानू कदे झुकना सिखाया ही नहीं, इसलिए आते हो ही नहीं सकदा सी। नाले गल रही माड़ा होण दी, ते मैं कदे किसे दा माड़ा किता ही नहीं, नाले मैं ते आ सोचदी हाँ कि मैंनु इस घर विच कोई ऐदां दा वी तां मिलिया है जिहड़ी मेरी इन्नी परवाह करदा है, इन्नी केयर करदा है। थोनू पता है जिहड़ी एक कुड़ी लई ना आ बहुत वड्डी गल हुंदी है कि कोई उहदी केयर करे, इहदे नाल ना उह वड्डी तों वड्डी मुसीबत नू वी जर जांदी है। जिहड़ी मैं थोनू प्रोमिस कर दिया कि मैं थोनू ते इस घर नू छड़ के कदे भी नहीं जावांगी। बेड़ा गर्क, आ तो कोई होर ही फीलिंग लैन लग पई, इहनू तो मैं ही चने दे झाड़ते चढ़ाया सी, हुण मैं उतारांगा। सीरत मैं तेरे नाल बहुत जरूरी गल करनी, पर तेनू वादा करना पड़ेगा कि
तू ना नहीं करेगी, सिर्फ ते सिर्फ हाँ करेगी। जी दी, मैं थोनू पहला भी कह चुकी हूँ कि जो गल जायज होवे तो मैं उस गल नू कदे भी नहीं मोड़दी, ते थोड़ी गल नू तो मैं उदा भी कदे मोड़ नहीं सकती। हुण तुसी ना परमिशन लेना छड़ दो, तुसी ना मैनू बस दस दिया करो, हुण इन्ना हक तो बनता ही है थोड़ा। ठीक है, फिर मैं पूरे हक नाल तैनू आ कहिंदा कि तू मेरी मैनेजर बन रही है।